हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है जहाँ पर कल मार्केट ओपन होते ही साथ ये दो शेयर है ओके दो शेयर से रिलेटेड बातें करिए और क्यों यहाँ पर धूम मचाते हुए नजर आ सकते हैं, जहाँ पर मार्केट गिरेगी और यहाँ पर ये शेयर शायद या तो कंसोलिडेट करे या फिर ऊपर भागते हुए नजर आ सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन दो शेयरों पे क्या करना है, आपको निगाहें बना के रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे शेयर से रिलेटेड। देखिए, हम डेली कोई ना कोई ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं जो यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर देखिए स्टार हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर बात कर रही है। इसी तरीके से एक और स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर आपसे वो रूबरू कराना चाहूंगा। एक बेहतरीन कंपनी है जिसका नाम है एल लॉयड मेटल एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी से रिलेटेड हम बातें करेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल आपका चैनल है, इसे सपोर्ट करिए जितना हो सके। ऑलरेडी आप सपोर्ट कर रहे हैं बट और सपोर्ट की जरूरत है, शेयर करिए। अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि सारी वीडियो जब भी हम डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप यहाँ पर देख सके। ये नंबर दे रखे हैं, आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है, हमारी फाइनेंशियल सर्विस लेनी है तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन जो शेयर हमें बताते हैं आपको कोई भी, तो उसमें कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और सीखना है, सीखने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। हम बात करते हैं एल लॉयड मेटल एनर्जी से रिलेटेड। एल लॉयड 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 कह सकते हैं इसे, मेटल एनर्जी लिमिटेड की अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर देखें मेटल और एनर्जी से रिलेटेड शेयर है। तो स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग करता है, पावर जनरेशन एंड माइनिंग एक्टिविटी में भी ये कंपनी क्या करती है, काम करती हुई हमें दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें, प्रेजेंटली अगर यहाँ पर देखें लगभग 83% रेवेन्यू इनका स्पॉन्ज आयरन एंड स्टील से आता है और 17% यहाँ पर आता है पावर से। और एंड इट प्रोड्यूस 1,67,000 मेट्रिक टन स्पॉन्ज इन फाइनेंशियल ईयर 20। और कंपेयर टू यहाँ पर अगर बात करें इनका जो यहाँ पर 2019 में जो इन्होंने यहाँ पर काम किया था, जो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया था, जो प्रोड्यूस किया था ये जो स्पॉन्ज आ रहे हैं उसके इस साल 2020 में थोड़ा कम होता हुआ नजर आया था। और इसके बाद बात करें आयरन और माइनिंग एक्टिविटीज की, तो लगभग 350 हेक्टेयर से फॉर आयरन और एट सुरजागढ़ विलेज में इनका यहाँ पर पूरी माइनिंग दिखाई देती है जो कि महाराष्ट्र में है। इट इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग द माइंस फ्रॉम अनदर 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स तक भी ये और काम करते हुए दिखाई देंगे इसमें। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, प्रोड्यूस प्लांट, ये सब चीज़ें, एक्सपेंशन, सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आती है। बट हम क्वार्टर हमें इस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देना, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्वार्टरली या एनुअली बेसिस पे ही काम करते हैं या हाफ ईयरली बेसिस पे, कि यहाँ पर हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, रिजल्ट जैसे आते रहते हैं उसके हिसाब से हम अपनी रणनीतियाँ बनाते रहते हैं। तो हम एक शेयर पे कभी भी यहाँ पर डिपेंड नहीं रहते। तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट को एक बार विजिट कर लीजिएगा तो आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। प्रोडक्ट्स यहाँ आपको पता ही है, स्पॉन्ज आयरन और स्टील से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है और यहाँ पर इसके अलावा पावर सेक्टर में भी है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। मार्केट कैप 7,487 करोड़, तो ना ही यहाँ स्मॉल कैप दिखाई देता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्यों, क्योंकि एक तो अपर सर्किट लोअर सर्किट में शेयर चलने वाला है, बट यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसे भी आपको ध्यान में देना है। आरओसी की बात करें 3844, तो ऐसे बहुत कम शेयर होते हैं स्मॉल कैप में जहाँ पर आरओसी आरओई अच्छे खासे हो, डेट फ्री यहाँ पर लगभग आपको कंपनी मिल रही हो, ओके तो ऐसे शेयरों की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है, कहीं लिख के रखना है, ताकि ऐसे शेयर जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप यहाँ पर उनमें बाइंग कर सके और यहाँ पर उसका फायदा उठा सके। तो यहाँ पर देखिए 3844 का तो यहाँ पर आरओसी आरओई है रेस्पेक्टिवली, यहाँ पर डेट बिल्कुल ही ना के बराबर है और पी यहाँ पर 11 है, तो कहीं ना कहीं पी इसका थोड़ा महंगा नजर आता है क्योंकि पी 50 है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में और 232 का 52 भी खाई था जो कि अभी इसने कुछ टाइम पहले ही लगाया था। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर अगर देखेंगे एक साल की परफॉर्मेंस, तो 15 रुपये वाला शेयर यहाँ पर कितने पे चलता हुआ नजर आ रहा है, 222, तो मल्टी बैगर रिटर्न दिए। मल्टी बैगर का मतलब है मल्टी वगैरह, मतलब 15 टाइम्स ये शेयर होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा ये शेयर बताने के पीछे का रीजन क्या है कि ये शेयर मल्टी बैगर तो हो ही रहा है बट ये शेयर यहाँ पर और भी अच्छे रिजल्ट पेश करके चौंक आ रहा है। तो यहाँ पर बात करें कंपनी के रिजल्ट, तो इस बार के 333 करोड़ की सेल्स ओके, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर 112 करोड़ सेल्स, हाईएस्ट एवर मार्जिन 34% क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे। मुझे नहीं लगता कल ये शेयर ओपन होते ही साथ अपर सर्किट में यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आपको ध्यान देना है।
ओके, एज वेल एज यहाँ पर कुछ टेक्निकल बताऊंगा, तो टेक्निकल को समझ लीजिएगा, क्योंकि बिना टेक्निकल समझे अगर आप बाइंग करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं फंस भी सकते हैं ऊपर जाके, तो इसे समझना है। नेट प्रॉफिट की बात करें 97 करोड़ का है, जो कि यहाँ पर आज तक नहीं आया पिछले 10-11 साल में। रिजर्व्स बेहतरीन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बोइंग कम होते हुए नजर आ रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसे है। कैश की बात करें कंपनी का 22 करोड़ का कैश भी है, छोटी सी कंपनी, इतने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव और केवल पॉजिटिव पॉइंट्स। प्रमोटर 69.41%, पब्लिक के पास 30.56% की होल्डिंग है। FIIs है नहीं, और बट इसमें पब्लिक के पास जो भी है अच्छे खासे शेयर नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटी कंपनी है बट काफी बेहतरीन कंपनी यहाँ पर नजर आती है। एल लॉयड मेटल्स के अगर हम अब टेक्निकल्स पे जाते हैं और देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये शेयर को मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। सपोर्ट का मतलब है कि अगर सपोर्ट टूटा तो गिरता हुआ नजर आएगा, रेजिस्टेंस टूटा तो भागता हुआ नजर आएगा। इस चीज को आपको समझना होगा, तो इस चीज को यहाँ पर समझिएगा। देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई, गिरावट के बाद शेयर यहाँ पर आया और यहीं से सब मलके ओके शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर अपर सर्किट लगा, इसके रिजल्ट थे, इस वजह से यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर एक डोजी बनाता हुआ दिखाई दिया। और अब जब ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा तो कल की डेट में जब ये शेयर ओपन होगा तो याद रखिए अच्छा खासा भाग सकता है, बट ऑलरेडी बहुत भाग लिया है ये शेयर। ओके, 130 से सीधे 230 100 रुपए के लगभग ऑलरेडी ये शेयर यहाँ पर भाग लिया था, तो थोड़ा सा यहाँ ये शेयर ओके शायद ऊपर जाके गिर भी सकता है, तो इसके लिए भी ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 232 रुपए, 232 को इसने यहाँ पर क्रॉस किया, तो याद रखिए एक अच्छा खासा शेयर जंप होता हुआ नजर आएगा। 203 रुपए पे शेयर चल रहा है, 203 रुपए में मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। तो 10-12% के रिटर्न तो ये है, बट अगर शेयर भागा तो याद रखिए शायद 300-400 रुपए भी होता हुआ नजर आए। क्यों? पी के हिसाब से महंगा है, जरूर महंगा है, बट इस कंपनी ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस करी है तो ऐसे ही कंपनी यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तो अपर सर्किट का यहाँ पर खेल हो सकता है, अगेन अपर सर्किट लगा के ओके 4-4% का यहाँ पर अपर सर्किट है, तो यहाँ पर अपर सर्किट लगा के चीजें ऊपर जा सकती है। बट यहाँ पर जब आए तो स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है। ओके, स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे का लगा लीजिएगा अपने उसके हिसाब से कि लोअर सर्किट क्या है अपर सर्किट क्या है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बट शेयर को यहाँ पर रैली के लिए एंजॉय करिएगा, शायद ये 300 रुपए तक जाके फिर रुकता हुआ नजर आए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा। सपोर्ट की बात करें, ये सपोर्ट नजर आता है, ये टूटा तो याद रखिए शेयर थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 147 तक भी आ सकता है, और यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। नीचे आएगा तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा, कल आई विल थिंक अबाउट इट, स्टॉप लॉस लगा के यहां पर काम करेंगे, क्योंकि कल तो अपर सर्किट में ये शेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग जाना ही जाना है इस शेयर को। तो यहां पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ऐसे शेयर से आपको और मिलाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर ऐसे शेयर और चाहिए तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और यहाँ पर देखिए डेली वीडियोस आ रही है, जाके देखिए, समझिए, सीखिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगी। एक अपनी स्ट्रेटेजी भी कैसे शेयर को चूज करता हूँ वो आपको बता रखता है। तो यहाँ पर इन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।